की नगरी प्रयागराज में हर वर्ष की तरह इस साल भी संगम तट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े सालाना धार्मिक माघ मेला का भव्य आयोजन किया गया है। बता दें कि इस बार माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के जवान प्रयागराज संगम तट के विभिन्न घाटों पर तैनात किए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की महिला बचाव कर्मी की तैनाती संगम मध्य में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए की गई है। साथ ही एनडीआरएफ की मेडिकल टीम वीआईपी घाट पर निशुल्क उपचार के लिए मौजूद है। वहीं मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत संगम क्षेत्र में जल पुलिस के साथ यूपी 112 की दो बोट किसी भी आपात स्थिति से निपटने और श्रद्धालुओं की मदद के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगी, जो कि तत्काल मौके पर पहुंचकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। लखनऊ से संवाददाता राशिद अलवी की रिपोर्ट। विभिन्न जनपदों से आए यूपी 112 के पीआरवी कर्मी प्रयागराज पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माघ मेले को सफल बनाए, ताकि देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश पुलिस की अच्छी यादों को अपने साथ लेकर जाएं। देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थयात्रियों को यूपी 112 से मदद लेने में भाषा बाधित नहीं बनेगी। ऐप के माध्यम से मदद मांगने वाले की भाषा को हिंदी में अनुवाद करके तत्काल सहायता पहुंचाई जाएगी। मेले के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यूपी 112 के कर्मियों को तैनात किया गया है। पहले बार माघ मेला में जल पुलिस के साथ मोटर बोट को पीआरवी के रूप में तैनात किया जा रहा है। यूपी 112 माघ मेला में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय हिंद।